नमस्कार दोस्तों, मैं रुन झा इस वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट फोर तक 157 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, ये पार्ट फाइव है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, मैं अब 158 क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। 158 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला है 10 ओम 1 ओम, ये आपको एक सर्किट दिया है ऐसा करके, और बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए वी की वैल्यू निकालिए। तो मैंने ये सर्किट यहाँ पे बना लिया है पहले से, ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालते हैं। दोस्तों कैसे निकालेंगे, तेरे ध्यान से इसको देखिएगा। आपको पता है ये 5 और 1 है, ये दैट मीन्स ये बन गया आपका 6 ओम। क्लियर है, ये आपको बन गया 6, और 6 4 के पैरेलल है। तो जब आप 6 को 4 के पैरेलल करोगे तो आपको मिलने वाला है 2.4। कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 2.4। यानी कि इसको इसके साथ अगर ये सीरीज में कर लो, आपका ये 6 आ गया, और 6 आपने जैसे ही पैरेलल किया 4 के साथ, तो आपका आ गया 2.4। तो आपको ये ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल गया 2.4। क्लियर है ना, ये आपका 6 हो गया, 6 4 के साथ 2.4 हो गया। अब ये 2.4, और ये आप देख सकते हैं ये आपका एक बेस लाइन है जो कि पूरा शॉर्ट है। तो अगर इसका हम नॉर्मल सर्किट बनाएं तो ये यही बनेगा। 10 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ठीक है, ये आपका 3 ओम, और यहीं पर आपको आ जाएगा 6 ओम। क्लियर है ना, ये मिल जाएगा। और ये क्योंकि आपकी बेस लाइन है, और यहाँ से लेके ये आपका रहेगा 12 ओम, और ये आपको पता है कितना मिला है आपका 2.4। क्लियर है ये, और ये आपका ए और बी। तो 12 और 2.4 ये दोनों पैरेलल हो गए। इसे अगर हम सॉल्व करें तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 ओम रेजिस्टेंस। कितना मिलेगा, ये 2 ओम आएगा ओवरऑल। अब ये 2 आ गया, 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। ओके, तो आपका ये 10 ओम है, और ये 6 और 3 को आपने सॉल्व किया पैरेलल में, तो ये आपका बन गया 2 ओम। ठीक है, ये आपका 1 था, 1 है, ये सॉल्व करने पर आपका आ गया 2। यानी कि इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा आपका 3 ओम। ओके, 3 ओम बन गया। आपको चाहिए ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। दोस्तों आपको ए बी का बीच चाहिए, तो 3 और 2 आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे, ये 3 और 2 पैरेलल हो गया, और ये किसके साथ ऐड होगा, 10 के साथ सीरीज में। तो आपका आ गया यहाँ पर 10। ओके, ये आपको पता ही कितना होता है, 6/5 होता है। तो आपने सॉल्व किया 50, और ये आ गया आपका 56/2, यानी कि आपका आ गया 11.2। सो दिस इज़ योर आंसर। तो आंसर डी ऑप्शन इज आंसर। ओके, 59 देखें, 159 में आपसे कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द बी एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए ये सर्किट दिया है, बी एक्स निकालना है। ऑप्शन है 2, 4, 3, 1। देखिए ये इसका सर्किट है, 6 एम्पियर, 2 ओम, 1 ओम, 1.2 दिया, या 4, 3, 6, 8, 12 दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे, 8 और 12 को पहले सॉल्व करिए। 8 और 12 को आपने ऐसे सॉल्व किया तो यहाँ पर ये हो गया 8 × 12 / 8 + 12, 20 हो गया। क्लियर, 4 से काटेंगे हम, 4, 3 सा ये कट जाएगा 5, यानी कि 24/5 आ गया, ये 24/5 आ गया। अच्छा, इसको हम यहाँ पर कितना दिया आपका 1.2, तो 1.2 आपका सीरीज में आ गया 24/5 के साथ, इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। 6 और 24 होता है 30, 30/5 होता है इसमें 6। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आ गया 6 आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपका आ गया 6। तो यहाँ पर हम लोगों को ये मिल गया, तो आपको ये इसकी वैल्यू मिल गई है, 6 मिल गई है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इसमें इसकी वैल्यू हमें 6 मिल चुकी है। अब यहाँ पर अगर 3 और 6 को पैरेलल सॉल्व करो तो 2 मिलेगा, और 2 और 4 कितना होता है 6। यहाँ पर भी आपका 6 था, ये भी 6, तो ओवरऑल कितना हो गया आपका 3। देखिए ये 3 और 6 को सॉल्व किया तो 2 आएगा, 2 और 4 हो गया 6, यानी कि आपका यहाँ पर आ गया 6। और आपने इसे भी सॉल्व किया तो ये आपका आया था 6। ओके, और ये आपका है 1 ओम, एंड दिस इज़ अ 2 ओम, एंड दिस इज़ अ ये 6 एम्पियर करेंट सोर्स। क्लियर है, ये 6 एम्पियर करेंट सोर्स है, जबकि आपको ये इसके अक्रॉस बी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इस करेंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैंने वोल्टेज ट्रांसफार्मर करेंट ट्रांसफार्मर में आपको पढ़ाया है। तो ये हो गया 12 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम। आप प्रीवियस वीडियो बाकी देख सकते हैं, इसमें पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड क्रिएट होता है तो ठीक है। ये 1 ओम दिया है, इसके अक्रॉस हमें बी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये 6 और 6 सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 3 ओम। क्लियर है, हम इसमें एक लूप लगा देंगे दोस्तों। लूप कैसे लगाएंगे देखिएगा, 12 लूप लगाएंगे, 12 = 2i + 1 × i + 3i। ठीक है, आई करने वाली है कि आई एक फ्लो हो रही होगी, तो यहाँ पे आई जो है ये 3, 1 और ये 6 आई, यानी कि आई की वैल्यू आपको मिल गई
ये 6i = 12, आई की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, आई की वैल्यू मिल गई 2। हमें बी एक्स निकालना था, बी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 1 into i, बिकॉज बी एक्स की जगह ये 1 है, 1 into i, तो 1 into 2, दैट मीन्स 2 वोल्ट। तो बी एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पर 2 वोल्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 2 वोल्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। अब इसमें बोला है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, वैक्यूम की रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों कभी भी याद रखना, रिलेटिव अगर लग जाए, रिलेटिव लग जाए तो परमिबिलिटी हमेशा 1 होगी, परमिटिविटी भी 1 होगी। ओके, रिलेटिव में वो दोनों ही सेम होते हैं, ओके, यूनिट एक दूसरे से, ओके ना, तो ये 1 के केस में होता है, वैक्यूम के केस में रिलेटिव परमिबिलिटी होती है 1। अगला, रिपल्सन मोटर इज इक्विप्ड विथ, तो जो रिपल्सन मोटर की बात कर रहे हैं, ये एक जो इक्विपमेंट है ये है, ठीक है, किसके साथ है ये, ठीक है, किसके साथ सुसज्जित होता है, जैसे इसमें लिखा है किसके साथ ये कनेक्टेड होता है, रिपल्सन मोटर की बात कर रहे हैं, तो ये होता है आपका कम्यूटेटर एंड ब्रशेस के साथ कनेक्टेड, किसके साथ, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट अ सिंक्रोनस मोटर, इनमें से कौन सी सिंक्रोनस मोटर नहीं है। तो यहाँ हमें देखिए, रिपल्सन मोटर सिंक्रोनस मोटर नहीं है, बाकी ये सिंक्रोनस होती है, हिस्टेरेसिस हो गई, रिलक्टेंस हो गई, रिपल्सन नहीं होती, ओके ना, रिपल्सन, इसको आप याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अगला, हमें लिस्ट को मैच करना है, इसमें दिया है फ्यूज ऑपरेटिंग टाइम और सर्किट ब्रेक टाइम, तो इसका टाइमिंग कितना होता है इसमें ये बोला गया। तो दोस्तों ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद करनी होती है, अगर आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो इसका क्या होगा, देखिए, फ्यूज ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो होता है 0.002 सेकेंड, यानी कि 2 into 10 की, यानी कि 2 मिली सेकेंड्स बोलते हैं हम, 2 मिली सेकेंड्स होता है, जबकि ये होता है आपका 0.1 से 0.2। सर्किट ब्रेकर टाइम होता है 0.1 से लेकर 0.2, यानी कि फ्यूज ब्रेकर टाइम का है 2 और सर्किट ब्रेकर का है 1, तो 2 1 किस में है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में इसमें 2 उसमें 1, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कह रहे हैं फ्यूजिंग फैक्टर, ये नन ऑफ दिस, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है फ्यूजिंग फैक्टर का। तो दोस्तों देखिए, ये भी आपके फॉर्मूले हैं, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, ठीक है। यूटिलाइजेशन वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग, पावर सिस्टम के अंदर का पार्ट है, 165 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 4 पोल बाउंड मशीन इस इतना एंड आर्मेचर इज बेब बाइंडिंग इतना, तो कह रहे हैं इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालिए। दोस्तों आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं निकालने के लिए, हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे आपको साइड में समझा दे रहा हूँ, क्लियर। देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द 4 पोल, यानी कि पी की वैल्यू आपको दी है 4 और लैप बाउंडिंग, तो लैप बाउंडिंग बराबर आपको पता होना चाहिए, A बराबर होता है P, दैट मींस 4, तो RA की वैल्यू इसमें कितनी दी थी आपको, दी है 0.02 ओम, क्लियर है। अब इसमें कह रहे हैं बेब बाउंडिंग, यानी कि यदि बेब बाउंडिंग होता है 1:2, तो इसमें कह रहे हैं आर्मेचर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं आपको A1 दिया है, RA1 दिया है, A2 दिया है, तो RA2 निकालना है। दोस्तों एक रिलेशन होता है पैरेलल कंडक्टर इनटू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर इंटू R1 इक्वल्स टू A2 का स्क्वायर इंटू R2। तो यहाँ पे हम लोग सब देख सकते हैं, ये आपको दिया 4 का स्क्वायर इंटू हम लोग कर देंगे 0.02, और यहाँ पे जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू R2। तो हम ही लोग ये निकाल लेंगे सेकंड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं 4 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 4 बचेगा यहाँ पर, तो 4 into 0.02 into, यानी कि 0.08, यानी कि R2 की वैल्यू आ गई 0.08, ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, ओके, बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो गया आपका, क्लियर है ना दोस्तों। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है 166 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 166 क्वेश्चन में क्या बोलने वाला है, 166 क्वेश्चन देखिएगा, 166 इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द फ्लक्स पर पोल फॉर 8 पोल डीसी मशीन हैविंग अ 240 बेब कनेक्टेड कंडक्टर्स, यानी कि आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है, यहाँ पे पी की वैल्यू दे दी 8 और यहाँ पर आपको दे दिए 240 बेब लिखा है। दोस्तों A = 2 होता है इसके, इसमें 2 और इसमें होता है जेट की वैल्यू आपको दे दी 240, ठीक है, और इसमें दे दिया ओपन सर्किट EMF, इसमें दे दी E की वैल्यू दे दी आपको 600 वोल्ट, ओके,
एंड विच इज़ रनिंग एन बराबर दे दिया 1200 RPM। तो दोस्तों देखिए, तो साहब हम लोग को पता है कि भाई ये फार्मूला होता है, ये अगर सारी वैल्यू दी गई हैं तो हम लोग नॉर्मली एक फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, 5PNZ/60A। ये किसका होता है, EMF का होता है, EMF यानी कि जो सप्लाई होती है हमारी। तो आपको 600 दिया गया है, फाई की वैल्यू आपको निकालना है, पी की वैल्यू आपको 8 दी गई है, एन की वैल्यू 1200 दी गई है, जेड की वैल्यू 240 दी गई है और 60/ इसकी वैल्यू दी गई दोस्तों। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, फाई की वैल्यू इसमें जब निकालने वाले हैं, तो फाई की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा लगभग 0.0312, ठीक है, 3125 बेवर के आसपास। तो आप इसे सॉल्व करिएगा 0.03125 बेवर। मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हूँ इसीलिए मुझे पता है कि इसका आंसर लगभग क्या आने वाला है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, सी आंसर आ जाएगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए, ये 166 क्वेश्चन था, 166 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है 167 देखिएगा। 3 phase 50 Hz 4 pole इंडक्शन मोटर रनिंग एट इतना, ये आपको रनिंग दे दिया यानी कि रोटर स्पीड दे दी गई। टू गेट अ फुल लोड स्टार्टिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग करंट टू फुल लोड। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डीपली समझाने वाला हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ 167, इसमें बोला 3 phase, उसमें आपको दे दी है फ्रिक्वेंसी 50 Hz, क्लियर है, फ्रिक्वेंसी दे दी है, इसमें पोल दे दिए हैं 4, इंडक्शन मोटर NR इक्वल्स टू 1400 RPM। टू गेट अ फुल लोड, देखिए तो इसमें दिया टू गेट अ फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं यानी कि स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, और यहाँ पर फुल लोड के केस में फुल लोड टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का स्क्वायर इनटू स्लिप। ये दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस केस में आपको दिया गया है, देखिए NR दिया है, आप NS से निकाल सकते हैं, NS बराबर क्या होगा 120 f/P 4, इसे काटेंगे 30 हो जाएगा यानी कि 1500 आ गया आपका NS आ गया। तो आप स्लिप निकाल सकते हैं, स्लिप इक्वल्स टू NS माइनस NR अपॉन NS, तो स्लिप इक्वल्स टू आ गया 1500 माइनस 1400 अपॉन 1500। दोस्तों ये आ गया आपका, ये सॉल्व करेंगे 1/15, यहाँ पे S की वैल्यू आपको मिल गई 1/15, तो S की वैल्यू आपको 1/15 मिल गई। इसमें एक लाइन दी गई दोस्तों, इसका समझना है आपको, इसमें लिखा टू गेट फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग, यानी कि जो फुल लोड टॉर्क जो है वो स्टार्टिंग पर ही मिल जाता है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। जब सेम हो जाएगी तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 1, तो स्टार्टिंग अपॉन ये फुल लोड का स्क्वायर इनटू ये आपका 1/15, यानी कि 15 इक्वल्स टू आ गया आपका स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का स्क्वायर। और इसे आप सॉल्व करेंगे आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड, ठीक है, तो आपका अंडर रूट 15 आने वाला है। अंडर रूट 15 आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3.91 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि आपको पता है 16 तो 4 होता है, तो 4 तो एग्जैक्टली नहीं होगा, 4 से कम ही होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया है 3.9 ऑप्शन, ठीक है, यही आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आंसर आपका 3.9, क्लियर है, दिस इज योर आंसर, ये स्लिप की वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। 168 क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, 168 क्वेश्चन में बोला गया है कि द एरर इंड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंटल फॉल इन विच कैटेगरीज, तो इसका हो गया सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, ये आपको याद करना है। 169 देख लीजिए, 169 में बोला गया है द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज फॉर द शियर एंड पंचेस, ठीक है, डीसी मोटर कौन सा टाइप है जो शियर एंड पंचेस मतलब अधिक लोड उठाने के लिए, है ना, या पंचिंग वगैरह प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये है कम्यूटेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर होती है, क्लियर है। नेक्स्ट है, फॉर द हैंडलिंग ग्रेटर करंट इंडक्शन वाट मीटर आर यूज इन अ कंजक्शन विद, ठीक है, तो ये है बी, इसका आंसर है बी करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर हो गया करंट ट्रांसफार्मर, हैंडलिंग ग्रेटर कंपोनेंट इंडक्शन वाट मीटर आर यूज फॉर द कंजक्शन करंट ट्रांसफार्मर। मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं आपके लिए बड़े ही मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ, रात में अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे के आसपास मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, आप समझ सकते हैं कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 171 देख लीजिए, ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वियरिंग ऑफ द PMC इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ द जेबल्स, तो इसके लिए हो जाएगा जो आंसर है, ये है आपका टू वियर
एंड टीयर ऑफ द मूविंग सिस्टम। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर थ्योरेटिकली बताता जा रहा हूँ। ये अगला दिया है टू मेजर आर रेजिस्टेंस वाया डीसी पोटेंशियोमीटर। तो आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है डीसी पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम लोग इसमें से क्या लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? तो ये है आपका, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इट इज़ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई पोटेंशियोमीटर ही हो। क्लियर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो पोटेंशियोमीटर होता है वही हो, कोई भी ले सकते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, ये हो गया। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग, कह रहा है इसमें बताइए फॉलोइंग, इसे कंसीडर करना है और इसमें से क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, तो ये हमें डिफाइन करना है। तो देखिए, कंसीडर फॉलोइंग ह्यूमन एरर, दूसरा लिखा है इसमें इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बोला है, फिर एरर ड्यू टू द वॉन पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, एरर ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट्स। तो देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं ये तीनों एक दूसरे को रिलेटेड, ह्यूमन एरर इज डिफरेंट, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू द वॉन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये तीनों लगभग एक ही है, ह्यूमन एरर डिफरेंट है, तो ये तीनों उसका ये हो गया है। आपको बस यही बताना है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टमेटिक वे है एरर का वो कौन सा है। तो सिस्टमेटिक एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ही क्रिएट होती है नॉर्मली, ह्यूमन के द्वारा तो होती नहीं है। तो नॉर्मली ये सब 2, 3, 4 दिस इज योर आंसर। क्लियर है, 174 देखिए द पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्टिव। आपको पता है पावर फैक्टर की अगर कभी भी बात करेंगे, इंडक्टिव चाहे कैपेसिटिव दोनों के ही केस में, ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो जीरो होता है। पावर फैक्टर कैसा होता है, जीरो होता है, लेकिन इसमें तो लैगिंग और लीडिंग की बात की गई है। तो जब लैगिंग लीडिंग की बात की गई है तो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव, तो इंडक्टिव के लिए लैगिंग होगा, लिखा था कैपेसिटिव तो लीडिंग होता है, अगर रेजिस्टिव होता तो यूनिटी होता। क्लियर है, नेक्स्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द डीसी करंट। ठीक है, तो डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी जो है वो होती है, क्या होती है आपको पता है, जीरो होती है। डीसी करंट डीसी लग गया ना, जीरो ही होगी ऑब्वियसली। क्लियर है ना। नेक्स्ट द चेंज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड विल अफेक्ट। 176 क्वेश्चन देखिए, 176 का होगा सी। ठीक है, रिलक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दोनों ही, ठीक है, दोनों पे ही डिपेंड करेगा ये। कॉमनली यूज मटेरियल फॉर द शील्डिंग और स्क्रीनिंग मैग्नेटिज्म इज। ठीक है, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में भी अपनी नोट कर सकते हो या पॉज करके वीडियो को समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट थ्योरेटिकली पार्ट है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, कोयल का इंडक्टेंस होता है, इज अनअफेक्टेड बाय द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो ये केसेस है। तो इंडक्टेंस ऑफ द कोयल से क्या होता है, आपको पता है एफ कॉस टू होता है 1/2 pi√LC। तो हम इसके रिलेशन से सॉल्व करेंगे, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज करेक्ट आंसर। अगला, इन अ सर्किट RLC पावर लॉस कैन टेक प्लेस। पावर लॉस किसके कारण होता है, RLC सर्किट में पावर लॉस किसके कारण होता है, आपको पता है ओनली रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि XL-XC जीरो होता है रेजोनेंस में, वो भी जीरो हो जाता है, टोटल इंपीडेंस R के इक्वल होता है। दिस इज आंसर, हाईली कैपेसिटिव सर्किट। देखिए दोस्तों, लगभग ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हाईली कैपेसिटिव सर्किट की बात कर दी गई है। तो हाईली कैपेसिटिव की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में, तो इस केस में हमारा आंसर इसमें होने वाला है सी, रिएक्टिव पावर इज मोर देन द एक्चुअल पावर। रिएक्टिव पावर हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल पावर से। द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग इट्स फुल लोड कैपेसिटी, दोस्तों ये स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, पावर फैक्टर कितना होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, 0.86 लैग। ठीक है, द रोटर पावर आउटपुट ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर 15, द रोटर कॉपर लॉस एट अ स्लिप 4%। तो इसमें रोटर पावर आउटपुट बोला है, तो रोटर पावर आउटपुट केस में होता है 15 kW/1-S। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे हम लोग 15 kW/1-A, यानी कि 1-0.04। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, आंसर आपका इसमें लगभग आएगा, इसका आंसर आएगा V, 625। कितना मिलेगा दोस्तों, 625 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को इसे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए हमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप सारे लगा लीजिए ताकि आपको बहुत बेनिफिट आगे मिल सके। क्लियर है, तो हम लोग इसमें जो भी सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया तो यहाँ पर जो आपकी आती है वो एयर गैप पावर निकल के आती है। एयर गैप पावर कितनी आएगी, आपको निकालना रोटर पावर, तो एयर गैप पावर 15 kW/1-S किया तो आपका एयर गैप पावर आई। फिर हमें इसमें निकालना है आउटपुट पावर, दोस्तों इसमें आउटपुट पावर का फॉर्मूला होता है S into PG। तो हम लोग S यानी कि 0.04 रखेंगे,
और जो भी आप पीजी निकालेंगे तो इसमें पीजी वैसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू इसमें मिल जाएगी 625 वाट, 625 वाट आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन है। सबसे पहले आप पीजी की वैल्यू निकालेंगे, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर होता है आपका, ठीक है, जो इंडक्शन मोटर के लिए जो दिया है, ठीक है, तो आपको ये रोटर कॉपर लॉस निकालना, ठीक है, पावर आउटपुट ये वैल्यू दी गई, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगला वीडियो डालूंगा, मुझे टाइम मिलेगा, तो इसके आगे के कुछ क्वेश्चन है वो भी थ्योरेटिकली है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अभी तक जो क्वेश्चन कराए वो थे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं और वीडियो इससे डालूँ, आपको बहुत हेल्प मिले। ओके, मैं भी उत्साह हूँ, मुझ में भी उत्साह हो वीडियो डालने का। ओके, थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।